पेज नंबर 25, सम नंबर 33। ओके, सो सम नंबर 33 में क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्स्ट हम वो देखेंगे कि क्या बोला है उसमें। अ सैंपल सर्वे रिजल्ट शो दैट आउट ऑफ 800 लिटरेट पीपल 480 आर एम्प्लॉयड, वेर एरियाज आउट ऑफ 700 इलिटरेट पीपल ओनली 350 आर अनएम्प्लॉयड। कैन द डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स बी डिस्क्राइब ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ओके, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक सैंपल सर्वे किया हुआ है कि जिसका रिजल्ट हमें बोला है। ओके, कि उसके रिजल्ट में क्या है, लिटरेट पीपल एंड इलिटरेट पीपल की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई, देन उसके साथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ओके, देन बोला है कि कैन द डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बी डिस्क्राइब ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, कि जो डिफरेंस है एम्प्लॉयड पर्सन के बीच में वो सैम्पलिंग में जो फ्लक्चुएशंस है उसकी वजह से है यानी। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक्स। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सैंपल सर्वे शो दैट आउट ऑफ 800 लिटरेट पीपल 480 आर एम्प्लॉयड। ओके, कि टोटल 800 पीपल्स का सैंपल है, सो यहाँ पे N1 हमारा हो जाएगा 800। ओके, 800 लिटरेट आउट ऑफ 800 लिटरेट पीपल 480 आर एम्प्लॉयड, कि 800 लिटरेट में से 480 आर एम्प्लॉयड, सो 480 वो हमारी हो जाएगी X1 की वैल्यू, राइट, कि 800 में से 480 एम्प्लॉयड है। देन नेक्स्ट सेकंड हमें कंडीशन दी हुई कि आउट ऑफ 700 इलिटरेट पीपल ओनली 350 आर एम्प्लॉयड। ओके, कि सेकंड सैंपल इज कि 700 इलिटरेट पीपल है उसमें से ओनली 350 आर एम्प्लॉयड। ओके, उसमें से हमें एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओनली 350 आर एम्प्लॉयड, मींस X2 की वैल्यू हमें दी हुई है 350। देन हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना है किन दोनों के बीच में, कि कैन द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बी डिस्क्राइब ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू प्रपोर्शन। ओके, सिंपल याद रखो, अगर हमें एग्जाम्पल में N1, N2, N, X1, X2 की वैल्यू दी हुई हो, N उसमें प्रपोर्शन वर्ड हो, तब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सैंपल्स है, सो हम यहाँ पे टू प्रपोर्शंस का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। ओके, एंड ओनली प्रपोर्शन का सिग्निफिकेंस कब फाइंड करेंगे, कि जिसमें ओनली N, 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 X की वैल्यू दी हुई हो। ओके, तब हम हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे। ओके, देन नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक एंड पैरामीटर। देन स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, एच नॉट लिखेंगे। ओके, सो एच नॉट यहाँ पे क्या होगी, एच नॉट हम P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। ओके, एच नॉट हमें P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ व्यू लिखनी है, सो यहाँ पे लिखेंगे कि P1 इज इक्वल टू P2, टू प्रपोर्शंस के रिलेटिव। देन नेक्स्ट उसके अल्टरनेटिव H1 लिखेंगे, सो H1 क्या लिखेंगे कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ओके, P1 इज नॉट इक्वल टू P2। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या फाइंड करना है, अब डिफरेंस, अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस। सो डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, इन मॉड्यूलस P1 माइनस P2। ओके, इन मॉड्यूलस P1 माइनस P2, सो नाउ अब हमें P1 एंड P2 की वैल्यू चाहिए, सो वो कैसे फाइंड करेंगे,
सो इन लास्ट टेस्ट हम क्या करते थे, पी की वैल्यू फाइंड करते थे एक्स डिवाइडेड बाई एन का यूज करके. सो यहाँ पे P1 एंड P2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हम N1X1, N2X2 फाइंड करेंगे वहीं पे ही हम P1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे X1 डिवाइडेड बाय N1 का यूज करके, P2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे X2 डिवाइडेड बाय N2 पुट करके. ओके सो X1 डिवाइडेड बाय N1 का यूज करके P1 फाइंड करेंगे, X1 इज 480 डिवाइडेड बाय N1. सो N1 हमारा कितना है 800. सो 480 को 800 से डिवाइडेड करेंगे तो P1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.6. ओके सो ये हमें मिला P1. देन नेक्स्ट P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे X2 डिवाइडेड बाय N2 करके. सो X2 इज 350, यहाँ पे 350 लिखेंगे डिवाइडेड बाय N2, N2 इज 700. So 350 divided by 700 करेंगे, so ये directly 0.5 मिलेगी, right? P2 की value हमें मिलेगी 0.5. Okay? So P1 and P2 अगर example में X1 N1, X2 N2 दिया हुआ है, so directly P1 P2 find करेंगे. Now ये दोनों value यहाँ पे put करेंगे, so in modulus P1 is 0.6 minus P2, so P2 is 0.5. देन इसे सॉल्व करेंगे कि 0.6 माइनस 0.5, सो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा 0.1. ओके डिफरेंस हमें मिलेगा 0.1. नाउ अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2. ओके स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे हमें परसेंटेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है. सो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, पी कैप इंटू क्यू कैप इंटू ब्रैकेट 1/N1 प्लस 1/N2. ओके 1/N1 प्लस 1/N2. नाउ अब हमें यहाँ पे पी कैप एंड क्यू कैप की वैल्यू चाहिए. ओके पी कैप एंड क्यू कैप की वैल्यू चाहिए, सो साइड में मैं यहाँ पे फाइंड कर देती हूँ. फर्स्ट पी कैप की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर्मूला यूज करके. सो पी कैप में कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे कि N1P1 प्लस N2P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. ओके यहाँ पे पी कैप जो हमारा स्मॉल लेटर में होगा पी, सो पी कैप की वैल्यू नाउ फाइंड करेंगे N1. सो N1 हमारा है 800 इंटू P1. सो P1 की वैल्यू हमने फाइंड की 0.6. देन प्लस N2, सो N2 इज 700 इंटू P2, सो P2 की वैल्यू हमने फाइंड की 0.5. देन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 इज 800, N2 इज 700, सो 800 प्लस 700. नाउ अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सो 800 इंटू 0.6, सो 480, देन प्लस 700 इंटू 0.5, 75 is 35, सो 350 डिवाइडेड बाय, दोनों को प्लस करेंगे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 1500. देन नाउ यहाँ पे इसे प्लस करेंगे, सो 830 डिवाइडेड बाय 1500. ओके नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 830 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो हमें पी कैप की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.55. ओके सो ये वैल्यू हमें मिली पी कैप की. नाउ क्यू कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, सो क्यू कैप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू कैप इज इक्वल टू 1 - P कैप. ओके सो 1 - P कैप की वैल्यू मिली 0.55. सो 1 - 0.55 करेंगे तो क्यू कैप हमें कितना मिलेगा, 0.45. ओके सो पी कैप एंड क्यू कैप की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे. ओके सो फर्स्ट हम नाउ अब लिखेंगे कि देयरफॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 लास्ट है इसलिए मैंने फिर से लिखा है. ये फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पी कैप क्यू कैप 1/N1 1/N2. ओके फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है,
वो पीछे था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। पी कैप एंड क्यू कैप की वैल्यू हमने फाइंड की। पी कैप की वैल्यू कितनी मिली 0.55, क्यू कैप की वैल्यू मिली 0.45। सो यहाँ पे वो वैल्यू लिख देंगे 0.55 × 0.45। सो ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे। देन सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे कि 1/n1 and 1/n2। सो n1 एंड n2 की वैल्यू चाहिए। सो n1 हमारा है 800, n2 है 700। ओके, सो फर्स्ट 1/ लिख देंगे 800, देन प्लस 1/700। ओके, नाउ इसे सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो फर्स्ट 0.55 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.2475। ओके, देन इनटू ब्रैकेट 1/800 करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी 0.00125। ओके, देन 1/700 करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.00143। ओके, 0.00143। नाउ जो प्लस करनी है वैल्यू उसे प्लस करेंगे। सो 0.2475 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके, सो 0.00125 प्लस 0.00143 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी टोटल कि 0.00268। नाउ दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिलेगी 0.02575। ओके, स्टैंडर्ड एरर हमें मिला 0.02575, राइट? देन नेक्स्ट, ये हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू फाइंड की। ये हमारा स्टेप कितना है, स्टेप नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई की एच नॉट जेड सी एन स्टैंडर्ड एरर। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, हम स्टेप नंबर 5 में फाइंड करेंगे जेड की कैलकुलेट वैल्यू, राइट? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड। सो उसकी फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 - P2। ओके, सो डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी मिली, तो डिफरेंस हमें मिला है 0.1। ओके, सो वो लिख देंगे, डिफरेंस इज 0.1, देन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 - P2। ओके, सो स्टैंडर्ड एरर हमें मिला 0.02575। देन नाउ अब 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.02575 से, तो कितनी मिलेगी हमें ZC की वैल्यू, 3.89। ओके, सो 3.89 वो वैल्यू मिली हमें ZC की। नाउ फिफ्थ स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि फाइंड करेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ZC। देन नेक्स्ट, अब कौन सा स्टेप हम अप्लाई करेंगे कि टैब्यूलेट वैल्यू का। ओके, सो नाउ अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे एंड जेड की टैब्यूलेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कितना लेंगे, 5%। क्यों 5% लेंगे, क्योंकि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, राइट? सो हम लिखेंगे कि 1% या फिर 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, वो क्लियरली मेंशन नहीं किया है। सो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। सो लिखेंगे कि नाउ एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, सो जेड की टेबुलेट वैल्यू लिखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। जेड की टेबुलेट वैल्यू हमें कितनी मिलेगी,
1.96. ओके, सो इन लास्ट हमने z की कैलकुलेट वैल्यू फाइंड की लास्ट फॉर्मूला में, एंड यहाँ पे z t की वैल्यू फाइंड की. सो नाउ दोनों को कंपेयर करेंगे कि z c एंड z t. सो z c की वैल्यू हमें कितनी मिली, z c की वैल्यू हमने फाइंड की 3.89. सो यहाँ पे लिखेंगे 3.89 एंड z t की वैल्यू हमें लिखी है 1.96. नाउ इन दोनों को कंपेयर करेंगे. ओके, 3.89, 1.96 को कंपेयर करेंगे एंड साइन पुट करेंगे लेस देन या फिर ग्रेटर देन. सो यहाँ पे साइन क्या पुट करेंगे हम, ग्रेटर देन, राइट, क्योंकि जेड सी की वैल्यू मैक्सिमम है जेड टी से. सो हमने ग्रेटर देन का साइन पुट किया. सो यहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी. क्यों रिजेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है इसलिए. सो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड. ओके, देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड, ये हमने लिख दिया. सो इस तरह हम ये प्रोपोर्शन का सम सॉल्व कर सकते हैं. राइट, टू प्रोपोर्शन हमें दिया गया हो तब हम इस तरह ये सम सॉल्व कर सकते हैं. बस हमें स्टैंडर्ड एरर की जो फॉर्मूला है उस पर ही ध्यान देना है. क्या करेंगे, अगर प्रोपोर्शन में इंफॉर्मेशन, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो जो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला थी वो यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं परसेंटेज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड फार्मूला है कैप का यूज़ करने की, वो यूज़ करेंगे कि इन स्क्वायर रूट पी कैप क्यू कैप इंटू ब्रैकेट 1/n1 + 1/n2. ओके,